राइट क्लिक, एड स्टूडेंट फॉर्म में मैंने बना दिया है मेन मेथड और इसी में मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखो आउटपुट इसका क्या आता है। ये देखिए, इतना तक हमने काम कर लिया था। अब हमें अभी क्या करना है कि इस पर क्लिक करें तो इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है और वो इमेज जो है इसमें डिस्प्ले होने लगे। इस पर क्लिक करें तो जो है फाइल सेलेक्ट हो और यहाँ पे नाम आ जाए। इस पर क्लिक करें तो फाइल सेलेक्ट हो यहाँ पे नाम आ जाए। इन चारों के लिए हमें करना है और इसके लिए हमें करना है। तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं पहले लिसनर में और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं। मैं मेथड का नाम सेलेक्ट इमेज रख लेता हूँ, सेलेक्ट इमेज, और बना लेता हूँ ऐसे फंक्शन। अभी कर देते हैं पब्लिक, पब्लिक नहीं प्राइवेट करते हैं, जरूरत पड़ेगा तो पब्लिक करेंगे। पब्लिक वाइट करता हूँ मैं। इतना तक मैंने कर दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करनी है कि अब मैं करता हूँ जे फाइल चूजर। ये कॉन्सेप्ट होता है जे फाइल चूजर का, सॉरी ये एक क्लास होता है जे फाइल चूजर का, तो मैं उसी का इस्तेमाल करने वाला हूँ यहाँ पे। तो जे फाइल चूजर आ गया। इसका मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ऐसे। इस तरह से ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। और इसके बाद मैं कंडीशन लिखता हूँ यहाँ पे, इफ इफ जे फाइल चूजर डॉट सो कर देता हूँ। सो डायलॉग जब मैं करूँगा सो, अब यहाँ पे कई सारे डायलॉग आ गए, मेरे को ओपन करना है ना, हमें ओपन करना है तो मैं ओपन सो डायलॉग करूँगा। और यहाँ पे मांग रहे हैं पेरेंट कंपोनेंट, तो पेरेंट कंपोनेंट ये फॉर्म ही होना चाहिए, लेकिन ये तो लिसनर है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेरेंट कंपोनेंट में एड स्टूडेंट ले लेते हैं। ये एड स्टूडेंट क्या है तो मैं दिखाऊँ आपको, ऊपर आ जाओ, ये वाला है एड स्टूडेंट। तो यही हमारा है पेरेंट कंपोनेंट, ये वाला है ना, इसी में तो खुलेगा एड स्टूडेंट, मतलब ये वाला फॉर्म, और यही वाला फॉर्म तो खुलने वाला है अभी। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एड स्टूडेंट। अब इसको मैं डबल इक्वल टू में करूँगा और मैं क्या करता हूँ, इसमें एक ऑप्शन आता है डॉट अप्रूव, APR अप्रूव बटन्स, अप्रूव ऑप्शन आ रहा है, मैं इसी पे क्लिक करता हूँ। यदि अप्रूव किया गया है तो आप क्या करो, इसके अंदर का लाइन एग्जीक्यूट करो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा जे फाइल चूजर कॉपी, यहाँ पे आया डॉट गेट सिलेक्टेड फाइल, जो फाइल ये देखिए, अब यहाँ पे दो ठो है, एक देखो यहाँ पे गेट सिलेक्टेड फाइल्स है, मतलब मल्टीपल फाइल्स आप चाहें जो चॉइस कर सकते हैं। फिर ऊपर है गेट सिलेक्टेड फाइल, मतलब सिंगल फाइल चॉइस करेंगे आप। तो मैं सिंगल फाइल की मुझे ज़रूरत है, मल्टीपल फाइल की ज़रूरत अभी है नहीं, तो मैं सिंगल फाइल की। अब इसमें फिर डॉट फिर से लगाइए, ये देखिए ये रिटर्न करता है क्या, फाइल। अब मैं फिर से मैं क्या करूँगा, इसमें डॉट लगाऊंगा तो इसमें एक मेथड और मैं कॉल करूंगा, गेट एब्सोल्यूट पाथ, गेट एब्सोल्यूट पाथ या गेट एब्सोल्यूट फाइल हम कॉल कर दें। एक और मेथड हुआ करता था, मुझे मिल जाए अभी, तो गेट एब्सोल्यूट पाथ आ रहा है ऑप्शन अभी, तो हम ये भी कॉल कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। अब गेट एब्सोल्यूट पाथ को मैंने प्रिंट किया है ना, तो आप देखिएगा कि इसमें क्या प्रिंट होता है। राइट क्लिक मैंने किया, रन किया मैं प्रोग्राम, इस पे मैं क्लिक, अभी तो कुछ काम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा मैं बताता हूँ, आप इस मेथड को कॉल भी तो करना पड़ेगा। कहाँ पे हम कॉल करेंगे, इमेज अपलोड ये वाला है, यहीं पे मैं कॉल कर देता हूँ मेथड इस तरह से ऐसे। और इसकी तो अब हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब आप लोग देखना, मैं राइट क्लिक करता हूँ, रन किया, कंसोल को ले जाता हूँ ऊपर, क्योंकि कंसोल में ही तो प्रिंट होने वाला है वो। तो अब आप लोग देखो, इस पे जैसे ही क्लिक किया ऑप्शन आ गया। अब मैं क्या करूँगा, देखता हूँ इधर फोटो कहाँ है, फोटो तो दिख नहीं रहा है जी इसमें,
मिल जाए भाई, एक फोटो मिल जाए, ये फोटो है अभी। लेकिन मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ भाई, अभी फोटो ही क्यों सिलेक्ट करना, कुछ भी कर सकते लेते हैं। ओपन पे जैसे मैं क्लिक किया तो आप अब देखो, ये देखो यहाँ पे पूरा फाइल का लोकेशन आ रहा है ना, तो यही होता है गेट एब्सोल्यूट पाथ में। फिर मैं राइट क्लिक करूँगा, क्लिक किया तो देखिए अब यहाँ पे क्या है ना, ये देखो यहाँ पे ऑल फाइल आ रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि सारे फाइल्स मेरे को आने चाहिए, दिखाई देने चाहिए, तो सारे, सॉरी सारे फाइल नहीं, इमेज फाइल सिर्फ मुझे दिखाई देने चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करनी चाहिए, एक जुगाड़ लगा देते हैं। क्या करेंगे इसमें, कर देंगे क्या नाम है मेरा, CHO चूजर डॉट एड चूसेबल, चूसेबल नाम का मेथड है, CHU, हाँ चूसेबल फाइल फिल्टर आ गया। अब इसमें मैं आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पे न्यू, एक यहाँ पे क्लास है, कौन सा क्लास है, फाइल नेम एक्सटेंशन करके क्लास है इसका, इसका इम्प्लीमेंटिंग फाइल एक्सटेंड, फाइल नेम एक्सटेंशन करके क्लास है, फाइल ये एन करता हूँ तो आएगा फाइल नेम एक्सटेंशन फिल्टर, यही क्लास है। तो यहाँ पे बोल रहे कि डिस्क्रिप्शन डाल और बाकी में एक्सटेंशन डाल दो डॉट डॉट करके, बस हमारी काम हो गई। अब क्या, तो अब देखो मैं यहाँ पे फाइल में क्या डाल दूंगा, इमेज, और यहाँ पे एक्सटेंशन डाल दूंगा। तो कौन कौन सा इमेज चाहिए हमें, JP, सॉरी क्या मैं टाइप कर रहा हूँ, JPG चाहिए, फिर कॉमा देंगे, फिर यहाँ पे PNG दे सकते हैं, फिर यहाँ पे GIF दे सकते, डबल कोट में GIF दे सकते हैं, फिर कॉमा देंगे, JPEG भी दे सकते हैं, JPEG। तो ये सारा हमने दे दिया, JPEG होगा ना, ये दे दिए। अब मैं क्या करूँगा, लास्ट में सेमी कॉलन हो गया। इन सबको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग को पूरा कोड दिखाई दे। क्या मजाक है, ये आते जा रहा है। हाँ अब ठीक हुआ, ये हो गया। अब मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ, अभी देखना आप लोग क्या होता है। रन किया मैंने, अभी मैं इस पे क्लिक किया, अभी भी देखो ऑल फाइल आ रहा है। फिल्टर तो एक ऐड हो गया यहाँ पे, फिल्टर तो एक मिनट कॉल, बीच में मेरा बंद हो गया था माइक ही, तो उस समय आप देख रहे थे कि यहाँ पे जैसे मैं रन कर रहा था प्रोग्राम और फिल्टर हो नहीं रहा था, मतलब फिल्टर ऐड तो हो गया था यहाँ पे, लेकिन ये देखो जैसे ही मैं इमेज में क्लिक करूंगा ना, तो एक फिल्टर हो गया पूरा इमेज। लेकिन कोई आल फाइल करके PDF सिलेक्ट कर लिया, तो ये तो गलत बात है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक लाइन का कोड और ऐड करना पड़ेगा हमें। वो क्या ऐड करना पड़ेगा, देखो आप, डॉट सेट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल फाइल यूजर, इसको कर देंगे हम फाल्स। यदि हम जैसे ही फाल्स करेंगे तो अब देखिएगा आप क्या होता है, जैसे ही हम फाल्स, ये रन थोड़ा ही ना होगा, मेन मेथड तो इसमें है। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखो सिर्फ इमेज आ रहा है, तो हमारा यह परफेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें फाइल का नाम तो मिल जा रहा है, फाइल के नेम मिलने के बाद ये देखो ये वाला जो सेक्शन दिख रहा है ना, ऐड नो इमेज अवेलेबल जो दिख रहा है, ये लेबल है। इस लेबल में हमें फोटो सेट करना है, तो लेबल में फोटो सेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपल सी, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं इसमें, हमें सिर्फ इतना करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले तो हम लेबल लेते हैं, तो एड स्टूडेंट डॉट PH फोटो, ये लेबल है, ये लेबल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम जान हमने ना आइकन, आइकन्स बनाया था, और डॉट सेट इमेज, आइकन्स डॉट, ये है आइकन, और इसी आइकन में हमने सेट इमेज नाम से किया है कि लेबल देंगे फाइल नेम देंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमें क्या करने का, सिंपल सी बात है,
आइकन्स डॉट सेट इमेज, ये लो आप यहाँ पे। अब हमें फाइल नेम कहाँ से आ रहा है, ये देखो इसमें फाइल नेम है, तो यहाँ से हम उठाते हैं फाइल नेम, फाइल नेम उठाए लिए हमें, और यहाँ पे हमें क्या देना है, लेबल का नाम, तो स्टूडेंट डॉट पी एच फोटो, ये लेबल का नाम हो गया। इतना काम करने से ऐड हो जाएगा। मैं डेमोस्ट्रेट करता हूँ आपको, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, कैंसिल कर दूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, और जैसे ही क्लिक करूंगा इमेज आ गया, कौन फोटो दिखाया हम, ये देखो ये लंबा चौड़ा कुछ कुछ आ गया। दूसरा बीजी इमेज करें तो ये देखो कुछ कुछ फोटो आ रहा है यहाँ पे, तो ये देखिए इमेज बराबर काम कर रहा है। शैलेंद्र वन, ये देखो ये फोटो आ रहा है, तो सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन अब समस्या ये आता है हमारे पास कि हमने तो इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पे और हमारा काम भी प्रॉपर हो रहा है, लेकिन समस्या ये है कि क्या इस तरह का फंक्शन हम कितने ठो बनाए, कितना ठो फंक्शन बनाए इस तरह का। क्योंकि मैं रन करता हूँ फिर से फाइल, इस पे क्लिक करने पे सिर्फ यहाँ इमेज दिखाना है, लेकिन इस पे क्लिक करें तो फाइल के बगल में इधर नेम दिखाना है, इस पे क्लिक करें तो इसके बगल में दिखाना है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमें, तो हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर देते हैं। हमें मल्टीपर्पस के लिए यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से ऐसे, और इसको हटा देंगे। यहाँ पे क्या आता है, फाइल नेम, जस्ट हमें इसी को रिटर्न कर देना है, रिटर्न, और यहाँ पे वॉइड की जगह पे हम कर देंगे स्ट्रिंग। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, रिटर्न नल, हो गया। यहाँ पे एल्स में भी रिटर्न नल कर सकते थे, लेकिन एल्स का लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको अगर ना समझ में आए तो मैं लिख के दिखा देता हूँ, ऐसे भी आप लिख सकते थे, लेकिन मीनिंग नहीं है ये सब लिखने का, इस तरह से आप लिख दीजिए रिटर्न नल। अब हम इसको मल्टीपर्पस यूज कर सकते हैं, मैंने ये जो कोड लिखा है इसको भी तो मैं चेंजेस करूंगा, अभी इसको कहीं और मैं ले जाऊंगा, लेकिन थोड़े देर बाद ले जाऊंगा, तब तक आप रुकोगे। अब यहाँ पे मैं आया, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्ट्रिंग लगाता हूं मैं, एक फाइल नेम नेम ऐसे। अब मैं कंडीशन लगाता हूं कि फाइल नेम नॉट इक्वल टू नल, यदि ये नल नहीं है तो क्या करना है हमें, सिंपल सी बात है, आइकन्स यूटिलिटी वाला आइकन्स डॉट सेट इमेज, सेट इमेज किस में करना है, यहाँ पे फाइल नेम डाल दी और यहाँ पे एड स्टूडेंट डॉट पी एच फोटो, ये हमारा बन के रेडी हो गया। हमें कोड ऐसे लिखना है। मैंने यहाँ तक कोड लिख पाया था, तब तक मेरा माइक काम कर रहा था, उसके बाद माइक ही बंद हो गया, तो म्यूट हो गया, तो साउंड ही नहीं आया, तो फिर से यहीं से मैं शुरू करता हूँ। इतना तक हमने कोड लिखा, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करूँगा बीजी में, यहाँ पे देखो फोटो आ गया, आप जो फोटो चाहो ये फोटो होगा, सही फोटो ऐसा है तो ऐसा आया है, मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये फोटो आ गई इस तरह से। अब हमें क्या करना है, बाकी में बटन के लिए कोड लिखना है हमें, तो मैं 12 से शुरू करता हूँ, 12 वाला है, तो मैं यहाँ पे इसी कोड को कॉपी मारूंगा ऐसे, इतने कोड को कॉपी मारूंगा इस तरह से, और यहाँ पे क्या मैं करूँगा, हमें लेबल में शो करना है, तो लेबल में शो करने के लिए ऐड एड स्टूडेंट डॉट एल टी 12 लेबल डॉट सेट टेक्स्ट करना है, सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे,
डबल कोट में फाइव और फिर कोलन, ए सॉरी प्लस का साइन, कॉन्कैटिनेट करना है ना हमें फाइल नेम लिखने में। बस यही कोड हमें हर जगह लिख देना है। आप यहाँ पे कह रहे हो कि मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया है, तो ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। यही करना है। यहाँ पे लेबल का नाम ये है, 10 है, एल 10, ये कर देंगे। मैं ऊपर आता हूँ, यहाँ पे लेबल का नाम इसी के पहले मेल लगा देते हैं, एल। काम तो कर लिया, नीचे भी कुछ है, ये कैटेगरी वाली है। कैटेगरी ये वाला नहीं है, हमें कौन सा फिर मिलेगा, भूल गया मैं ना। मैं इधर आता हूँ और ये वाला है कैटेगरी, कैटेगरी सर्टिफिकेट वाला लेबल। तो मैं यहाँ पे आके ऐसे कर देता हूँ सेव टेक्स्ट। मैं अब सीधा रन कर देता हूँ प्रोग्राम अपना। रन हो गया प्रोग्राम, सेलेक्ट करता हूँ, आ गया यहाँ पे फाइल, सेलेक्ट किया फाइल आ गया, सेलेक्ट किया फाइल आ गया। यहाँ पे नेम दिखा रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें। फाइल आ गया, सेलेक्ट किया फाइल आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से हमें काम करना है। अब यहाँ पे डॉट 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 आ जा रहा है, पूरा फाइल का लोकेशन नहीं आ रहा है, तो उसका कारण ये है ना कि लेबल का विड्थ यहीं तक है। लेबल का विड्थ यहाँ तक हम कर देंगे तो फुल विड्थ में जो है आ जाएगा। जैसे ये 130 मेरे को लग रहा है यही वेट होगा, 200 कर देते हैं इसको। हंड्रेड कर दिया मैंने, अरे थोड़ा सा बढ़ा है, 300 कर देते हैं। कर दिया, देखते हैं अब कहाँ तक आता है। देखिए अब पूरा नंबर आने लगा। तो इन सभी लेबल का वेट को हम 300 कर देंगे तो हो जाएगा हमारे काम। तो इतना हमने काम कर लिया है, बाकी का काम हम बाकी इसमें जो भी और चेंजेस करने होंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जैसे मान लो ना कि ए वाला जो है अभी तो इसी लिसनर के अंदर है, तो लिसनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी एक्सेस किया जाता है ये। लेकिन मैं चाहूँ तो इसको यहाँ से कट कर दूँ ऐसे, और इसको ना डाल दूँ मैं इंटरफेस के अंदर इस तरह से, और इसको मैं कर दूँ पब्लिक। ऐसे क्या, इसको मैं ऐसे कर दूँ पब्लिक इस तरह से। लेकिन अब यहाँ पे मैं लेबल को एक्सेस नहीं कर सकता, तो एड स्टूडेंट को तो यहाँ पे ला ही सकता हूँ। यहाँ पे नल पास कर दो ना, सीधा सीधा बात है, यहाँ नल पास कर देंगे हम, और क्या, हमें कोई समस्या नहीं है इसकी। अबे कह रहा है डिफॉल्ट स्टैटिक, तो हम इसको स्टैटिक बना देंगे, स्टैटिक मेथड हमने बना दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब हमें क्या करना है कि अब यहाँ पे तो एरर आएगा जी, तो एरर आएगा तो इसके लिए हमें क्या करना है, आइकन लिख देना, आई कंस डॉट सेलेक्टिंग, क्योंकि आइकन इंटरफेस के अंदर हमने डाल दिया ना। अब हम जहां से चाहें हम कॉल कर सकते हैं आइकन इंटरफेस के अंदर, आइकन इंटरफेस के अंदर से हम कॉल कर सकते हैं, हमें किसी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉपर काम करेगा, मैं एक बार रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख लो काम कर रहा है, तो हम इसी तरह से काम करने वाले हैं आगे। अब हमें क्या करना होगा कि इसको डेटाबेस में स्टोर करने के लिए स्ट्रीम वगैरह में सेव, स्ट्रीम क्लास वगैरह में सेव करना होगा, तो हम करेंगे स्ट्रीम क्लास में सेव, लेकिन अगले में देखेंगे इसको।